उस वक्त कल जैसे बताया नाम मोहसिन शेख, रहने के लिए मुंबई से हूँ। बाय प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। एक स्ट्रेंजर ने मुझे इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस का नॉलेज दिया, कहा बेटा मोहसिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बिना लागत से तुम करोड़ बना सकते हैं। यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फैमिली बिजनेस है, मेरा बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का। ऑलरेडी मैं विरार वसई में रहता हूं, मेरा खुद का 1 एकड़ में बंगलो है। ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 कार थे। पिताजी ने इतना कुछ करके रखा था कि मुझे पैसे की कोई ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उस शख्स ने बताया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर बिना लागत से तुम लाखों नहीं करोड़ कमा सकते हैं, वो बात मुझे हजम नहीं हुई। इन्वाइट किया मुझे एक सेमिनार के अंदर, और अंदर से क्यूरियोसिटी थी, मुझे जानना था कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है। और ऐसे ही सेमिनार में कोने में खड़ा था, सेमिनार देख रहा था। सेमिनार खत्म हो गया, स्टेज पे अचीवर आए, लोग बोलते गए, लीडर्स बोलते गए, मैंने इतना लाख बनाया, उतना लाख बनाया, किसी ने प्रभावित नहीं किया। लेकिन आखिर में एक लीडर स्टेज पे आया और बोलना शुरू किया कि दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने मुझे आज तक सिर्फ 4 साल में 10 करोड़ से ज्यादा कमा के दिए। आज मेरे पास मुंबई जैसी जगह में 5 फ्लैट्स है, बाहर मर्सिडीज है। ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान रहा, लेकिन उसका अगला जो बात था उसने मुझे इतना हैरान में डाल दिया। और अगला जो उनका बात था वो बात ये था कि दोस्तों, मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं सिर्फ 4थी तक पढ़ा हूं। ये सुनने के बाद मुझे मजबूरन अपने आप से एक सवाल करना पड़ा, यार मोहसिन, तेरे सामने एक 4थी पढ़ा हुआ इंसान 10 करोड़ से ज्यादा का इनकम लेते हुए इस इंडस्ट्री से खड़ा है। आज तू मुझे बता, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता था, जैसे मुंबई के लैंग्वेज में कहते हैं, हम अपने आप को बहुत शाना समझता था। आज के दौर में इट डजंट मैटर हाउ स्वीट, आपका प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है, क्योंकि हमारे गली का वड़ा पाव भी वो बर्गर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो 10 में मिलता है, वो 100 में मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पहला स्टेज होता है वो होता है मैड वर्क, सेकेंड स्टेज होता है हार्ड वर्क, थर्ड स्टेज होता है स्मार्ट वर्क, और फोर्थ स्टेज होता है नो वर्क। पहला साल आपको वो गली के अन्ना की तरह मेहनत करना पड़ेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लोगों को अच्छा लगे। मैंने ये सारे स्टेज को एक स्मार्ट वर्क तरीके से अपनाया। पहला साल पूरा पागलों की तरह, वो पहले अन्ना की तरह काम किया। दूसरा साल हार्ड वर्क, लोगों को CNT में बिठाया, ट्रेनिंग्स में बिठाया, VIP में बिठाया, NSC में लेके आया। उसके बाद स्मार्ट वर्क, मेरे नीचे मैंने डायमंड्स स्टार्स ये रैंक्स प्रमोट करना चालू किया, क्योंकि आखिरी का जो अन्ना होता है वो खुद गले पे बैठता नहीं है, एक मैनेजर बिठा देता है कैश, उसको कहते हैं नो वर्क। अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है, एक क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आपको कितना आता है, क्या आता है, पीपल डजंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल ओनली केयर हाउ मच यू केयर। आप कितना अपने टीम का ख्याल रखते हैं, बड़ा ये डैट मैटर करता है दोस्तों। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे अंदर भी एक वो लीडरशिप है, बस उसको बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि एवरी लिविंग फॉर्म्स विल बी, बोलते ना कि अपने एक मैक्सिमम लिमिट तक ग्रो करने वाले एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। हर चीज, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, अपने लिमिट तक पहुंचने वाले सिर्फ इंसान को छोड़ के। एक पौधा आप देखो उसकी जिंदगी में पूरी लिमिट तक जाएगा, एक जानवर अपने लिमिट तक जाएगा, एक परिंदा अपने लिमिट तक जाएगा, लेकिन एक इंसान तभी लिमिट तक जाता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। और आपको आपको लिमिट तक जाना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, पागल बनना पड़ेगा। अगर पागल बनने से जैगवार आ सकती है, पागल बनने से मेरा परिवार खुशियां एंजॉय कर सकता है, पागल बनने से मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज पागल बनना का समय आ चुका है, ये साबित करने को दुनिया के अंदर कि मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है, मेरे अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो आज तक दबी हुई थी। बराबर ना, वो हाथी का एग्जांपल सुना होगा आपने, जब बच्चा था तब उसको बांधा गया था पैर से, तो बहुत कोशिश किया, 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार वो रस्सी टूटी नहीं, और बड़ा हुआ और मजबूत रस्सी से बांधा गया, बहुत कोशिश किया लेकिन वो टूटा नहीं। और बाद में वो ये हाथी बलशाली बन जाता है, एक छोटी सी चेन से बांधा जाता है, और सिर्फ वो कोशिश करता है, ये मैं नहीं तोड़ सकता हूं। आपने देखा होगा, मैं नहीं तोड़ सकता हूं। अभी उसके माइंड में एक बात बैठ गई कि चेन में से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आपने सुना होगा जब एक हाथी छोड़ जाता है तो सामने कुछ भी आता है उसको तहस नहस करता है, खेती बर्बाद करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे हाथी,
अरे वो हाथी पागल नहीं हुआ, वो हाथी को अक्कल आ गया कि साला मेरे अंदर भी इतना ताकत है कि मैं साला हर चीज को नेस तेस कर सकता हूं, बराबर ना। और वो पागलपन लाना पड़ेगा दोस्तों, वो लाना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं, और इतना मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज के अंदर अगर सबसे कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम अगर होगा, वेस्ट इंडीज में अगर सबसे ज्यादा अचीवर अगर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ टीम चैंपियन के अंदर ही होगा दोस्तों, टीम चैंपियन के अंदर ही होगा।